अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी, बेटी और दामाद के साथ आज ताज का दीदार करने के लिए आ रहे हैं, जिसके लिए आगरा पूरी तरह से तैयार है। खास तौर से मैं उस रूट की बात करूं, खेरिया हवाई अड्डे से लेकर ताजमहल का 14 किलोमीटर का रूट है, वो आगरा प्रशासन ने पूरी दुल्हन की तरह से सजाया है। मैं उसी रूट पर मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं, ये वही रूट है जिस पर 4:45 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आगरा आएंगे और इसी रूट से ताजमहल जाएंगे। आप देख सकते हैं उस रूट की रोड पर दोनों राष्ट्रों के झंडे लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं भारत का यहाँ झंडा लगा हुआ, अमेरिका का झंडा लगा हुआ, और खास तौर से इस रूट पर जितने भी चौराहे हैं उनको चिन्हित करने के बाद सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए यहाँ मंच तैयार किए गए हैं और 3,000 कलाकार बाहर से बुलाए गए हैं जो तमाम तरह की विधाओं से सांस्कृतिक प्रोग्राम करेंगे, तमाम तरह के नृत्य करेंगे। और खास बात यह है कि इस रूट के दोनों तरफ स्कूली छात्र छात्राएं खड़ी की जाएंगे और उनके हाथों में दोनों देशों के झंडे होंगे, और वो डोनाल्ड ट्रंप जब ताजमहल का दीदार करने के लिए जाएंगे तो उनको उनका अभिवादन करेंगे। यही नहीं, इन दोनों जो रूट हैं, इन दोनों की तरफ जो दीवार बनी हुई है उस पर वॉल पेंटिंग के माध्यम से मोदी और ट्रंप के फोटो लगाए गए हैं, और जो ब्रज की संस्कृति को भी दिखाया गया है। जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो कहीं ना कहीं राधे राधे की गूंज यहाँ सुनाई देगी। और खास बात यह है कि इस रोड के दोनों तरफ 16,000 गमले लगाए हैं जो वातावरण को शुद्ध करेंगे, और कहीं ना कहीं इस रोड के रोड की हालत दिखाऊंगा मैं कि आप रोड पर साफ तौर से देख सकते हैं मोदी और ट्रंप के फोटो लगाए हैं, तमाम यहाँ होर्डिंग लगाए हैं, और दोनों देशों के जो संबंध हैं वो मधुर हों, ऐसा स्लोगन यहाँ दिखाया गया है। और 4:45 पर वो खेरिया हवाई अड्डे पर पहुँचेंगे और उसके बाद तमाम सुरक्षा के बीच ताजमहल के से 500 मीटर की दूरी पहले होटल अमर विलास पड़ता है, वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ कुछ पल बिताने के बाद सुरक्षा के बीच गोल्फ कार में बैठने के बाद ताजमहल का दीदार करेंगे। आगरा से R9 TV के लिए शिव चौहान, उत्तर प्रदेश। तो आगरा में ट्रंप के आगमन की तैयारियां जोरों पर है। ट्रंप के ताजमहल पहुंचने पर 7 अमेरिकी हेलीकॉप्टर आसमान से निगरानी करेंगे, वहीं 400 अमेरिकी सुरक्षा कर्मी भी यहां पहुंचे हैं। ट्रंप के आगमन पर ताज नगरी में जगह जगह मोदी और ट्रंप के पोस्टर लगाए गए हैं। कुछ तस्वीरों के जरिए स्वागत की तैयारी को समझ लीजिए और देख लीजिए। होर्डिंग से पटा है पूरा शहर, होर्डिंग से पटी है ताज नगरी, उसके ठीक बगल में दीवारों पर नमस्ते ट्रंप लिखा गया है, INU हाथ मिलाते कार्टून के जरिए राष्ट्राध्यक्ष को दिखाया गया है, ऐसी कलाकारी दीवारों पर की गई है। इंडिया राइजिंग लिखा हुआ है नमस्ते ट्रंप के जरिए, तो उसके ठीक बगल में जगमग ताज नगरी, यानी कि लाइटिंग की व्यवस्था भी भरपूर है, क्योंकि वक्त शाम का हो चलेगा जब ताज का दीदार करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पहुँचेंगे। और एक चाबी दिख रही होगी आपको, और जो जिसके हाथ में चाबी है वो मेयर हैं जैन साहब आगरा के, चाबी भेंट की जाएगी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। ये यहाँ की एक रवायत है जिसे निभाते आ रहा है नगर निगम आगरा। जब भी कोई किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुँचता है, VVIP यहाँ पर पहुँचता है, जो ताज का दीदार करता है, तो उस दौर में भेंट स्वरूप एक यादगार पल बनाने के लिए चाबी दी जाती है। बैटरी बस तैयार है, एक और तस्वीर है जहां बैटरी बस तैयार है, और अंतिम तस्वीर है चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां तो नज़र बनाए हुए हैं, बल्कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी नज़र बनाए हुए हैं। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं आगरा कैसे तैयार है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो 2 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जहां गुजरात के अहमदाबाद में भव्य स्वागत किया गया, वहीं ताज नगरी आगरा में भी ट्रंप के स्वागत के लिए खास तैयारियां हैं। जहां एक तरफ ट्रंप के आगमन को लेकर रंगारंग कार्यक्रमों की तैयारी है, वहीं शहर में सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है और CCTV के जरिए पूरे शहर पर नज़र रखी जा रही है। आपको बता दें कि ताज नगरी आगरा में ट्रंप अपनी बेटी और पत्नी के साथ ताज का दीदार करेंगे, उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ये वो सुरक्षा व्यू है जिसे आप देख सकते हैं, वो टीम है और वो सेक्शन है, वो क्षेत्र है जहाँ पर नज़र रखी जाएगी। सड़क से लेकर मॉनिटरिंग सेल जहाँ बनाया गया है वहाँ तक लोगों को लगाया गया है, और मंच बनाए गए हैं पॉइंट टू पॉइंट, यानी कुछ दूरी पर ऐसे मंच बनाए गए हैं जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का
आयोजन होगा। ब्रज की खासकर बात की जा रही है, राधे 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 सुनाई देगा। और ये लाइव तस्वीर इस वक्त आप आगरा की देख रहे हैं, जहां तैयारियां हैं डोनाल्ड ट्रंप के पहुंचने में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले देखिए ब्रज की संस्कृति को दिखाने की कोशिश यहां पर की गई है। हमारे सहयोगी भी जैसे बता रहे थे अभी, और ये सिर्फ एक जगह पर नहीं है, जो रूट है होटल से लेकर ताजमहल तक, एयरपोर्ट से लेकर होटल तक, उस रूट के दोनों तरफ, उस रास्ते के दोनों तरफ ऐसे मंच बनाए गए हैं जहां संस्कृति को दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, बताया जाएगा, देखिए ब्रज की संस्कृति कैसी है, डोनाल्ड ट्रंप को इस संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा। ऐसा ही कुछ गुजरात में भी देखने को मिला, अपनी सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करता हिंदुस्तान। दो तस्वीरें देख लीजिए, यही पहचान है, दुनिया में इसीलिए पहचाना जाता है हिंदुस्तान, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति। आपके सामने है, एक तरफ सुरक्षा व्यू कैसा रहने वाला है और दूसरी तरफ स्वागत की तैयारी देख लीजिए, अंदाज देख लीजिए। सीसीटीवी फुटेज से नजर रखी जा रही पूरे शहर पर, आगरा शहर पर, और दूसरी तरफ शहर की सड़कों पर सुरक्षाकर्मी की तैनाती, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मंच सजाए गए हैं, बनाए गए हैं। आगरा की तस्वीर आप लाइव देख रहे हैं इस वक्त, डोनाल्ड ट्रंप के आगरा पहुंचने में अभी वक्त, लेकिन उससे पहले पूरा आगरा शहर में सांस्कृतिक कार्यक्रम। परंपरा में लोक राय ने उसकी प्रस्तुति हम हमारे देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप जी, उनके स्वागत में हम लोग ये राय नृत्य लेके आए, और हम लोग को बड़ी खुशी है कि उनके स्वागत में हम लोग पूरी टीम उनके लिए आदर सम्मान से उनका स्वागत करना चाहते हैं। काफी प्रैक्टिस की आपने, काफी बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ बिल्कुल हाँ। क्या कहेंगे, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सर यही हमारा कहना है कि जो हम लोग की सांस्कृतिक परंपरा है और जो राजनीति से जुड़े हुए विधाएं, सारी चीजें इतने अच्छे से हो कि हमारे हर भारत के नागरिक को किसी की कोई समस्या ना हो।